सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं फिर एक बार पथरगट्टी के इलाके में हूँ और अभी आप जो देख रहे हैं ये इलाका है कमर खोद गुआबाड़ी का इलाका। आज यहाँ बाढ़ की स्थिति है, हालांकि ज़िले में पिछले एक सप्ताह से सूखे की स्थिति है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो पुल है, पुल के आसपास का जो इलाका है पानी में डूब रहा है। ये देखिए, ये गांव को आप देखिए, ये कमर खोद गुआबाड़ी है जो पानी में डूब रहा है। और ये सामने में जो देख रहे हैं आप, ये दोदरा का इलाका है, ठीक है। यहाँ पे कई डायवर्सन है, पानी अब सीधे यहाँ से निकल करके कंकी की ओर जा रही है। आज का जो नज़ारा है वो ऐसा लग रहा है जैसे कंकी नदी इसी रूट से फंस गई है। आप जो ये देख रहे हैं सामने जो पत्थरगट्टी का इलाका है, और हाँ, और ये धार है, बरसाती धार है। ये धार वहाँ ग्वालडोली के पास कटने की वजह से अब नदी का रुख इधर से ही है, जिसको लेकर के यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। और यहाँ के लोग बहुत पिछले दो हफ्ता से ये सोच रहे थे कि भाई अगर उस रोड को बांध दिया जाए, बांध को बांध दिया जाए तो यहाँ के लोग बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और हालात यह है कि बाढ़ की स्थिति है और इस इलाके के लोगों का जो खेत खलिहान बचा है वो यही इलाका है। अब अगर ये भी अगर कट जाए, नदी में बह जाए, तो अब कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या हालात हैं, बताइए यहाँ के बारे में। आज कनकी नदी में बाढ़ आया हुआ है, इधर देखिए। आज कनकी नदी में बाढ़ आया हुआ है, आप देख सकते हैं। यही मड़िया धारा है, यही इसी को मुख्य धारा में विलीन होने की संभावना है और थोड़ी सी ही बची हुई है। हालांकि बाढ़ का पानी आया हुआ है, थोड़ा बहुत विलीन अगर हो गए नदी तो जाहिर है कि इतना पानी नहीं, ये पूरा नदी का पानी आएगा। जब सारा नदी का पानी आएगा तो बिल्कुल बड़े बांध जैसा, जैसे टूटता है और पानी घुसता है, उसी तरह से पानी घुसेंगे। और आप इधर देख सकते हैं कि अभी बांध थोड़ा बहुत आया है और जिससे खेत घर और चूल्हा चौकी सब डूब गए हैं। अगर पूरा नदी अगर इधर से रुख मोड़ लिया तो ये सारा इलाका बह जाएंगे, जान माल का भी खतरा है लोगों का, और बचने का कोई उपाय भी नहीं है यहाँ पर। और वो जो सामने दोदरा देखते हैं वो उसको भी भसा ले जाएगा, उसको भी डुबा देंगे। और ये सामने जो ये दिख रहे हैं, ये गांव देख रहे हैं, इधर और भी बहुत सारे गांव हैं, और ये जो इलाका देख रहे हैं पूरा नदी में विलीन हो जाएगा। हालांकि ज्यादा पानी नहीं है अभी, नदी पूरा धार अभी मोरा नहीं है, अभी प्रशासन के पास बहुत समय है। हालांकि हम हफ्ता 10 दिन पहले प्रशासन को इस बात का जानकारी, खबर सीमांचल ने आगाह किया था, खबर सीमांचल ने भी आगाह किया था, और हमने DM और MP साहब और दीगर पदाधिकारियों को भी मैंने ये सूचित किया था कि वहाँ पर आप है ना, सड़क जो कट गया है उसको मजबूती से बांध दीजिए, और ये सभी मुसीबत का जो कारण है, जड़ है, वो जड़ ही खत्म हो जाएंगे। तो ये बरसात भर टल सकता है, लेकिन तो इस पर कोई ध्यान नहीं। एक हफ्ता हो गया है, चाहता तो एक दिन में, अगर प्रशासन चाहता तो एक दिन में, दो दिन में बांध देता, सुखाड़ी का मौका था। आज बाढ़ आया हुआ है, 5 दिन पहले सुखाड़ी ही था यहाँ पर, और अभी लोग काफी दहशत में है, सब कोई रोड सड़क पर आ गए हैं, और पानी को देख करके लोग भयावह है। और लोगों से भी आप पूछ सकते हैं आपके बारे में। ये पुल जो है, ये पुल सांसद फंड से बन रहे हैं एक गांव के सामने में, उसी धार में जिसको रोकने के बारे में वहाँ चर्चा चल रही है। अगर इधर से फंस जाए तो अब आप सोचेंगे क्या हालात होगा, बताएं यहाँ का हालात। यहाँ का हालात तो देख रहे हैं कि नदी का पानी से सब यहाँ डूब रहा है, इधर नदी फंसने से 8-10 गांव डूब जाएगा, बह जाएगा, और पुरना धार है उधर अगर चलेगा तो कोई बात नहीं होगा। यहाँ का जो है इस धार से फंसने से हालत खराब, धार से फंसने से सब कोई बर्बाद हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, पूछ सकते हैं उन लोगों से, पूछिए सबसे। तो ये हालात जो है यहाँ पे बहुत भया हुआ है, लोग चाह रहे हैं कि तो की कॉमन की हालात चुक बता। हालात की यहाँ सुन ले कि 10-20 घर ना का कोई उपाय नहीं है, घर ना गांव। उसके बाद जो खेती है आगे पीछे 10 बीघा का धान नहीं है, और उसके बाद यहाँ बर्बादी बहुत है, आदमी क्या करेगा नहीं, कभी लद्दी हो जाएगा तो सुन की 4-5 गांव का कोई गारंटी नहीं। अब तो नदी हो ही गया, अब तो पानी तो पानी तो थोड़ा काम नहीं करता, थोड़ा तो सरकार का पास महान जी रोक देता है, या तो थोड़ा
फिलहाल 5 दिन का काम भी नहीं है। सरकार करता ही नहीं, क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे। प्रतिनिधि भी ध्यान नहीं देता, ध्यान नहीं देता है, कोई ना मुखिया ध्यान देता है, ना कोई ध्यान देता है, ना कुछ करता है। तो ये हालात है यहाँ पे लोगों का, लोग मायूस हो चुके हैं कि अब वो किस पर ध्यान दे। तो आप देख रहे हैं ये पुल जो है, अब एक गांव के बाहर एक पुल बन रहा है, उसी धार से अगर कंके नदी फंस जाए तो क्या स्थिति होगी। ये लोग बहुत दिनों से आगाह कर रहे हैं पर कोई मानने को तैयार नहीं है। तो अब ये लोग भगवान भरे खैर से हैं। क्या हालात है आपके यहाँ बाढ़ का? बहुत बुरा हाल है सर। इधर आइए, हाँ बोले बोले बोले। बहुत बुरा हाल है, आपकी नज़र के सामने है, सब कुछ ये चपेट में है, जो गाँव है सारे चपेट में है ये। तो क्या उस दिन से रोकने का जो प्रयास कर रहे थे वो सब क्या हुआ, खाली दिखाओ? ये काम तो रोकथाम के लिए किया, काम किया, किया कहाँ, काम काम नहीं किया, काम किया कहाँ। ये तो रोकथाम के लिए, बस लोग जब इकट्ठा हुआ तो उसको दिखावट के लिए वो काम कर लिया, बस हो गया भाई। 2000 दिन जो इधर उधर के भाई लोगों को हमने दिल रखना है, कैसे करके रखना है, बस ऐसे करके छोड़ दिया उसको काम। अब वो मुसीबत बन गया, अब मुसीबत बन गया। ये जो बड़ा जो मोनी था उसको अगर वो बांध देता तो पानी नहीं आता, बस ये दिखावट के लिए काम किया। तो ये जो इंजीनियर थे वो आखिर पढ़े लिखे थे या क्या थे, उसके कार्यों का ये नतीजा है कि आज इधर से नदी फंस गई है कंके नदी। अब यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं और लोग चाहते हैं कि भाई कोई हल निकले, तो अस्थाई हल निकले। बांध निर्माण की बात बहुत दिनों से कर रहे थे लेकिन अब तक किया नहीं। तो बस इतना ही, फिर हम आपको